नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप देख रहे हैं और ये है किताब वाला। मेरे हाथ में किताब है जिसका शीर्षक है किस्सा किस्सा लखनउआ, लखनऊ के अवामी किस्से, और इसे लिखा है हिमांशु बाजपेयी ने। ये जो इंसान मेरे बाएं हाथ पे बैठा है, ये हिमांशु बाजपेयी है। एक नंबर का पाजी इंसान है। इसकी इसकी हंसी में मत जाइएगा, धूर्त है और कई कॉल तोड़ने के बाद आया है। पता नहीं कब से कह रहा था कि आएंगे आएंगे आएंगे, पर मुझे लगा कि ये शायद तमाम बड़े कलाकारों की अदाओं का हिस्सा है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी तरफ से माजरत, ताखीर हुई अरे बाप रे, लेकिन देर आए दुरुस्त दुरुस्त आए। आए। आप जात पात नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, मैं भी माननी नहीं भी नहीं मानता, चाहिए, किसी को भी नहीं किसी माननी को नहीं चाहिए। मानते। ये बाजपेयी होता है कि वाजपेयी होता है? दोनों होता है। और आपने पौज भी वाजपेयी जी की तरह लिया, हाँ, तो ये वाजपेयी इसलिए कि भाई अटल जी वाजपेयी यज्ञ का जिक्र वाजपेयी होता है। लिखते थे, तो वो वाजपेयी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया। लेकिन लखनऊ में ज़्यादातर लोग अभी भी वाजपेयी लिखने वाले ही मिलते हैं, तो इस कुछ तरह फिक्स से नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है। किसी व्याकरण वाले से हमने पूछा था ये सवाल, तो उसने कहा दोनों, बा और वा कुछ खास संदर्भों में दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, तो तो किताब तो मुझे बहुत अच्छी लगी शुक्रिया। और किताब से मैं वाकिफ भी था, क्योंकि नवभारत टाइम्स में आपका लखनऊ पे कॉलम आता है और जो वहाँ के संपादक हैं सुधीर मिश्र, वो मेरे दैनिक भास्कर के दिनों में सहकर्मी रहे हैं, तो थोड़ा परिचय वैसे भी था। और आप आज यहाँ बैठे हैं, कल वरुण से यहीं पे बात हुई थी भिक्षु पे। ये कौन है? पद्मश्री मुज्तबा हुसैन। ये मुश्तबा हुसैन साहब उर्दू के अभी कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी तो नहीं कहेंगे, मतलब अभी एहद हाजिर में जो सबसे बड़े मिजाह निगार हैं वो मुश्तबा हुसैन साहब, सबसे बड़े व्यंग्यकार उर्दू के इस वक्त के मुश्तबा हुसैन साहब हैं, पद्मश्री हैं। और इनका हिंदी काम में हिंदी में आया कुछ है? किताबें हैं, हिंदी में राजकमल प्रकाशन से सिंदबाद का सफ़रनामा, बहुत पतली सी किताब है, सिंदबाद का सफ़रनामा। और उसमें उनके मजाहिया मजमून हैं। और एक इनकी बहुत ख़ास किताब है, वाणी से आई है, वो मुश्तबा हुसैन के खाके, तो खाके। खाके कहते हैं रेखा चित्र जो विधा होती है ना जी हिंदी जी जी में जी जी उसकी। तो मुश्तबा साहब एक तो मिजाह के लिए तो मशहूर हैं ही, तंजु मिजाह के लिए, हास्य व्यंग्य के लिए, लेकिन जो खाके उन्होंने लिखे हैं इतने उमदा खाके हैं वो, तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए किताब। और एक प्रकाशन, सारांश प्रकाशन था, जी, उसने एक किताब खाकों की ही इनकी छापी थी, चेहरा दर चेहरा, अब मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहाँ मिलेगी? मेरा ख्याल सारांश को अब राजकमल ने ले लिया है, तो वो उनसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि उसको रीप्रिंट करें, बेहतरीन खाके, मतलब और एक कॉपी तो आपके पास मेरे होगी। पास है। जेएनयू वालों की बड़ी बुरी आदत थी, कहीं कोई किताब नहीं मिलती थी तो फोटो कॉपी करा लेते थे, हाँ, तो वैसा ही कुछ गो कि है ये गैर कानूनी है। बिल्कुल। तो इस एक ताल्लुक और है, मुश्तबा साहब पर ललन टॉप के लिए ही आज से 2 साल पहले मेरा एक ही लेख छपा है ललन टॉप पे आज तक, जी, वो मुश्तबा साहब पर ही था। और इससे ये भी जाहिर हो गया कि मैं लर्न टॉप का हर लेख नहीं पढ़ता हूँ, पर हर लेख के लिए जवाबदेह हूँ। तो ट्विटर कहीं भी कोई हमारे साथी वीडियो में कुछ भी बोल देते ना, तो सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ सही राय सही हैं, तो कहते हैं ये सौरभ द्विवेदी बुलवाया है ऐसा। इसमें बड़ा जोर दे के कहा गया है कि अवामी किस्से, जी। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ज़रा उनको बताएं कि ये लखनवी और लखनऊआ का जो फ़र्क है, जो आपने भूमिका में भी लिखा है, वो क्या फर्क है? वो फ़र्क ये है कि आम तौर पर जब लखनऊ की बात होती है तो ज़्यादातर जो अक्सरियत उन बातों की होती है उनमें ये होता है कि नवाबों के किस्से, उनकी बेगमात के किस्से, 1857 के किस्से, क्विजींस के, खान पान के, दस्तरखान के किस्से, यही होते हैं। तो जो लखनऊ के अवाम हैं यानी आम लोग जो हैं उनका जिक्र उतना नहीं आता, और ज़्यादातर एक तरह की सामंती अभिरुचि के साथ वो किस्से सुनाए जाते हैं। तो इस किताब में कोशिश ये की गई कि आम लोगों के किस्से सुनाए जाएं, क्योंकि मेरा ये इस किताब में कहीं आया भी है कि तहजीब किसी अमीर के ड्राइंग रूम में रखा हुआ गुलदान नहीं है, तहजीब किसी फ़कीर के हुजरे से उठने वाली लोबान की महक है जो बिना किसी तफरीक के अमीर और गरीब दोनों को महकाती है। तो इसमें कोशिश ये थी कि उन लोगों की बात की जाए कि जिनके सरों पर उजाले नहीं हैं, जिनकी बात आम तौर पर लखनवी ब्रांड के हुआ ये कि 21वीं सदी में लखनऊ की तहजीब
एक ब्रांड बन गई, स्टीरियोटाइप, हाँ, यानी बाजार का भी एक ब्रांड बन गई कि बहुत पॉपुलर और तमाम चीज़ें। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो आम लोग थे उनको उस दायरे में एंट्री नहीं मिली, उनकी बातें नहीं सुनाई गई, उनकी चीज़ें नहीं सुनाई गई, क्योंकि हमने ज़्यादातर वक्त उसी तरह की बातें करने में लगाया। तो कोशिश इसमें ये थी कि इसमें रिक्शे वालों के किस्से आए, इसमें सब्जी वालों के किस्से। अरे यार, वो कौन से सब्जी वाले हैं जो महंगी सब्जी बेचते हैं और बड़ी नाजुकी के साथ कहते हैं, आपने जिक्र किया वो खीरा बेच रहे थे, नदीम हसनैन साहब को, क्या है प्रसंग बताइए जरा। वो किस्सा ही है, नदीम हसनैन साहब बहुत ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े और ललनटॉप पे उनका एक बार हमें अच्छा इंटरव्यू करने का मौका मिला, वो साहित्य आज तक में आए थे, तो उनका लखनऊ पे उनकी दूसरा लखनऊ उनकी किताब है, अदर लखनऊ। जी अदर लखनऊ, तो अदर लखनऊ जिस थीम पर है, अदर लखनऊ एक तरीके से उसका एकेडमिक एक्सप्रेशन है उसी थीम का, एंथ्रोपोलॉजिकल जो होता है, जिसका ये किस्सा लखनऊ, जिसका किस्सों में जिसका बयान है, वो भी उसी बात को कहती है दूसरा लखनऊ। तो वो किस्सा यूं है कि नदीम साहब गए खीरे खरीदने, और खीरों का मौसम शुरू हुआ था, नए खीरे आना शुरू हुए। तो लखनऊ में ख़ास बात है, और भी जगह होगी लेकिन लखनऊ में मुझे लगता है ख़ास है कि बाकी जगह तो हमने देखे कि मोटे खीरे भी काफ़ी बिकते हैं और काफ़ी बड़े बड़े खीरे होते हैं। लखनऊ वालों में खास अदा है कि बिल्कुल पतले खीरे, बारीक, एकदम बारीक, जिसमें बीज एकदम बारीक हो, दूधिया हो बीज, बिल्कुल, और बिल्कुल पतले खीरे। तो नदीम सर ने पूछा कि भाई इसका क्या दाम है, तो वो खीरे वालों ने कुछ दाम बताए जो नदीम सर को ज़्यादा लगे, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लगे सामान्य दाम से। तो उन्होंने कहा भाई इतने तो नहीं होते हैं, ज़्यादा हैं ये। तो वो खीरे वाले साहब जो है वो बोले कि अभी अलहड़ बतिया है ना साहब, इसीलिए दाम ज़्यादा हैं, नखरे ज़्यादा हैं। तो ये बात कि अलहड़ बतिया है ना साहब, इसीलिए नखरे ज़्यादा हैं, अलहड़ एक लफ्ज़ और नखरे। जी जी, तो ये इम्तिजाज जो है ये नदीम सर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जितने उसने दाम बताए थे ले लिए खीरे और खुशी खुशी आए घर को। तो आपने खुशियों का जिक्र किया, कुछ रोज़ पहले खुशियों का एक त्यौहार बीता होली, और एक चैप्टर है इसमें, मतलब कई हैं उसमें से एक, नाकू से बरहमन से सदाए अजान सुनी, मस्जिद से मैंने कस्द किया सोमनाथ का, वाजिद अली शाह का शेर है। जब ये कैमरा रोल नहीं हो रहा था तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रसंग बता रहे थे, एक पत्रकार हैं आरफा खानम, क्या हुआ वहाँ पे, मसला क्या था, उन्होंने फेसबुक पे क्या लिखा जिसका वहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध किया। वो बुल्ले शाह का जो कलाम है, होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्ला, उस पर उन्हें आपत्ति थी। वो अरफा ने अपने फेसबुक पर या कहीं सोशल मीडिया पर कहीं लिखा, जिससे कुछ आपत्ति थी कुछ लोगों को, वहाँ एक ग्रुप था उनको, हर जगह कुछ ही लोग होते हैं हिमांशु, तो सबके ठेकेदार बनते हैं। अरफा वहाँ गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विमेंस लीडरशिप समिट एक हो रही है, जो कि विमेंस कॉलेज की जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने उसको करवाया है, अभी भी चल रही है, तीन दिन का प्रोग्राम है। तो उसमें कल आरफा थी, शाम को हमारी दास्तान हुई थी, तो वहाँ कुछ एहतजाज विरोध और प्ले कार्ड्स, और वो क्या दिक्कत है उनको, उनको शायद यही दिक्कत है कि भाई ये कैसे कहा गया और ये मुसलमानों का होली से क्या लेना देना, वो चक्कर है क्या? अब मतलब एग्जैक्टली तो उसका विरोध क्या है, वो क्या विरोध शायद इसी लाइन पर है कि ये लाइन नहीं लिखी जानी चाहिए थी और ये कैसे ये कलाम यूज किया और ये नहीं होना चाहिए। तो वो बुल्ले शाह ने लिखा ना? हाँ, बुल्ले शाह ने लिखा है, लेकिन उनको आपत्ति है कि उसको कैसे शेयर किया गया। तो कल को कोई जाके बुल्ले शाह पे भी मुकदमा ठोक देगा। तो ये तो यही तो सेम चीज, जब पद्मावत पर जब विवाद हुआ, तो पद्मावत तो कब लिखी थी, और आप तो सौरभ भाई हिंदी के छात्र भी रहे हैं, पढ़ते भी हैं, उसमें जो वर्णन किया है जायसी ने रानी पद्मिनी का, वो पद्मावती का जो वर्णन है, और दो खंड हैं उसमें, एक तो रूप खंड और एक नक्षिक खंड जो है, दोनों में, तो वो तो उसको क्या कहेंगे फिर, वो जायसी के पीछे पड़ जाएंगे कि ये हमारी रानी का कैसे ऐसा बयान किया गया। पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए जाहिलों को पढ़ने का तो एक ना शौक है ना शऊर है। तो यही हमारे दौर का, हमारे यूसुफी साहब की लाइन है शायद, मुश्ताक अहमद यूसुफी की, कि हमारा कौमी अलमिया यानी हमारी नेशनल ट्रेजिडी ये है कि सबसे कम वक्त और सबसे कम दौलत हम किताबों पर खर्च करते हैं, पढ़ने में खर्च करते हैं। तो वो है, तो जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो लखनऊ के शायर थे नाजिर खयामी, उनकी लाइंस हैं,
ईमा को ईमा से मिलाओ, इरफा को इरफा से मिलाओ, गीता को कुरान से मिलाओ, दैरो हरम में होना जंग, होली खेलो हमरे संग। क्या बात है। तो इस तरह से होली खेलो। टाकू से बरमन से सदाए अजां सुनी, क्या है ये प्रसंग वाजिद अली शाह वाला, बताइए। ये किस्सा यूं है कि अब इसमें वही बात है, किस्सों के लिए तो संदर्भ मतलब प्रामाणिकता की उतनी जरूरत नहीं होती। हाँ। तो लोक कथा कितना लखनऊ के समाज में है, और नागर जी का कॉल है कि किसी समाज के किस्सों से उस समाज के चरित्र को जाना जा सकता है। अमृतलाल नागर जी, जी जी जी, कमाल आदमी, खोज के पढ़िए, नहीं पढ़ा हो तो। तो नागर, तो ये जो किस्सा है ये यूं है कि चूंकि मुहर्रम का जो महीना होता है काफ़ी लंबा होता है, 2 महीने से ज़्यादा का 2 महीने 8 दिन का, तो उस एक बार ऐसा हुआ लखनऊ में कि होली मुहर्रम के महीने में पड़ गई। अब लखनऊ में मुहर्रम आप जानते हैं कि बाकी जगह तो मुहर्रम शायद 10 मुहर्रम की जो तारीख होती है आशूर की, यानी जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए उस दिन का होता है, लेकिन लखनऊ में पूरा महीना अवध में ही है, लेकिन लखनऊ सबसे ज्यादा है, अवध में तो उतना रहा नहीं जी। तो उसमें क्या हुआ कि किसी बार होली मुहर्रम के महीने में पड़ गई जी। तो अब ये पसोपेश आई सामने कि भाई होली है और मुहर्रम गम का एक दिन है और होली खुशी का त्यौहार है, तो कैसे इसको किया जाए। तो फिर वाजिद अली शाह का दौर था, तो उन्होंने ये फैसला सादर किया कि भाई एक ख़ास वक्त तक होली मनाई जाएगी और उसके बाद एक ख़ास वक्त से फिर आज़ादारी शुरू होगी, या जो मातम जो लोग करना चाहते हैं या कोई अगर जुलूस है तो वो किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये किस्सा मज़हबी रवादारी जो है, रिलीजियस हारमोनी या टॉलरेंस, उसको बयान करता है कि अगर हुकूमत सही हाथों में है तो वो किस तरह से चीज़ों को समझदारी से निकाल सकता है। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम है। नानक राम मुल्ला, बताइए जरा, बड़ा मजेदार प्रसंग। बड़े कमाल कमाल आदमी थे मुल्ला साहब, थे कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण थे, लखनवी थे और मुल्ला जोड़ते थे, मुल्ला जोड़ते थे और चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस रहे इलाहाबाद। इन्हीं की वो कमेंट जिसको बार बार कोट किया जाता है कि यूपी पुलिस गुंडों का संगठित समूह है, वो इन्हीं की टिप्पणी। और कई कम पढ़े लिखों को लगता है कि ये वो सिर्फ मुल्ला का विषय सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार ये कोई मुस्लिम है तो ऐसे एंटी वो रहा होगा इसलिए ऐसा बोल दिया। इतना विद्वान आदमी, उनका एक शेर है कि ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या, ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या, आरजू है मौज के साहिल से टकराने का नाम। क्या बात, बार बार नाकाम होती है मौज जो है साहिल से टकराती है, लेकिन फिर भी टकराती है, लगे रहो। अगर नाकाम होने की हिम्मत नहीं है तो फिर आरजू क्यों कर रहे हो। कमाल है। तो मुल्ला साहब का जो उर्दू वाला किस्सा है, वो इनका किस्सा ये है कि भाई ये उर्दू बचपन से ही बड़े टैलेंटेड थे, उर्दू में खास दिलचस्पी थी इनकी, तो बहुत पढ़ते थे उर्दू। इनके पिताजी, उन पे बाद में आएंगे, वो भी एक खास किरदार है, उनके बारे में बताएंगे। तो ये स्कूल में, हाई स्कूल में उर्दू के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, क्योंकि इन्होंने जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों से इनका सैद्धांतिक मतभेद था, तो इन्होंने अपना जो अपनी थ्योरी थी, जो अपनी समझ थी, वो जवाब में लिखी और नतीजा वही हुआ जो होना था, तो वो फेल हो गए, ये फेल हो गए। और इसके बाद इन्होंने बड़ा, ये भी किस्सा ज़रूरी है इनके बारे में बताना, कि आज अगर हम ये सोचें कि कोई शायर निर्दलीय खड़ा हो जाए किसी एक बहुत बड़े आदमी के ख़िलाफ़, किसी शहर में किसी बहुत बड़ी पार्टी के किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ और जीत जाए, तो ये बहुत इस पर यकीन नहीं होता, या शायद आज के दौर में मुमकिन हो भी ना पाए। लेकिन 1967 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा आनंद नारायण मुल्ला जी ने, और वी आर मोहन, जो मोहन मेकिंस के मालिक, कांग्रेस को उम्मीदवार, उनके खिलाफ लड़ा और जीत गए वो इलेक्शन। तो इस तरह के भी लोग हैं और कमाल लोग, तो ये प्रेरणा भी देता है कि हम लोगों का भी मुस्तकबिल निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तो ये आनंद नारायण मुल्ला हैं। इनके पिता जगत नारायण मुल्ला, ये वो शख्स है जो कि अशवाक और बिस्मिल या काकोरी का जो मुकदमा था उसमें सरकारी वकील था। तो एक तरीके से बहुत लानत इनको क्रांतिकारियों की तरफ से दी गई है, क्योंकि
ये सरकारी वकील थे, यानी इन्होंने सज़ा दिलवाई, और इनकी भूमिका ऐसी थी उसमें कि अशफाक और बिस्मिल तो चलो फांसी उनको हो गई, उन्होंने रोशन सिंह जो कि काकोरी एक्शन में नहीं शामिल थे, ठाकुर रोशन सिंह काकोरी एक्शन में शामिल नहीं थे, बमरौली डकैती जो उससे पहले पड़ी थी इलाहाबाद के पास, बमरौली पीलीभीत में है, अच्छा। पीलीभीत जिले में, हाँ, तो पीलीभीत जिले में बमरौली गांव में, इलाहाबाद के पास भी एक बमरौली, हाँ, लेकिन वो नहीं है, ये पीलीभीत वाला है, तो वहाँ डकैती पड़ी, उसमें इनकी आवाज़ सुनी गई थी, ये सिर्फ था, तो ये लोग अपने जेल में बातें कर रहे थे कि रोशन सिंह बरी हो जाएंगे, लेकिन उनको भी फांसी हुई, तो जगत नारायण मुल्ला से बड़ी नाराज़गी थी क्रांति, और इसलिए भी नाराज़गी थी कि पहले ये पता चला कि ये क्रांतिकारियों के वकील बनने वाले हैं, लेकिन फिर ये बाद में सरकारी वकील बन गए, चूँकि इनको पैसा शायद 500 रुपये हर दिन का उस ज़माने में इनको मिलता था, एक दिन का 500 रुपये, हाँ, और उसमें असिस्टेंट थे नारायण मुल्ला, अपने पिताजी के असिस्टेंट थे उस मुकदमे में ये, तो इनको भी शायद 200 रुपये महीना मिलता था, तो वो था, और इन पे वो ये तो खुद उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे जगत नारायण जी, तो अशफाक उल्ला खां को एक बार ये मिले, अशफाक का मुकदमा बाद में शुरू हुआ था, काकोरी सप्लीमेंट्री केस कहा गया, चूँकि अशफाक एक साल बाद गिरफ्तार हुए थे इन लोगों से, तो लिबरल पार्टी के मेंबर थे ये जगत नारायण मुल्ला, तो अशफाक ने जब इनको देखा तो उनसे शेर पढ़ा, अशफाक तो शायर भी थे, ये भी शायराना तबीयत के थे, कहा कि अच्छा जीपीओ में केस चला था, जो लखनऊ में जीपीओ है, तो रिंग थिएटर था उस जमाने में वो, तो अशफाक ने फिलबदी शेर पढ़ा कि चलो चलो यार वो रिंग थिएटर दिखाएं तुमको वहां पे लिबरल, जो चंद टुकड़ों पे सीम उजर के नया तमाशा दिखा रहे हैं, क्या बात है। तो ये और एक किस्सा बिस्मिल का भी है मुल्ला जी से मुतालिक, जगत नारायण मुल्ला से जी, कि थे तो उर्दू के आलिम ये, लेकिन जिरह में आपकी जबान फिसल जाती है, कई बार गलत लफ्ज निकल जाता है, तो मुलजिम की जगह मुलाजिम लफ्ज निकल गया बिस्मिल के लिए, मुल्ला के मुंह से। अब बिस्मिल आज़ाद रूह आदमी, कैसे मुलाजिम, तो बिस्मिल ने फिलबदी शेर पढ़ा कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बहुत तकलीफ़ होती है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, क्या है? मुलाजिम हो गए तुम, हम मुलाजिम हैं। तो ये जगत नारायण मुल्ला, अच्छा इनकी ये लिखा गया, क्रांतिकारियों ने खुद ही लिखा, इनकी एक ज़ाति खुन्नस थी बिस्मिल से, जगत नारायण की, हाँ, इनके पिता, हाँ, की जगत नारायण की, क्योंकि वरना पहले तो ये कहा जा रहा था कि क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांग्रेसियों को भी गिरफ्तार किया गया था कांग्रेस से, लेकिन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष ये थे जगत नारायण मुल्ला, और मॉडरेट्स में थे ये बिस्मिल, जो कि उस जमाने में कितने 16, 17, 18, 19 साल के थे, लखनऊ अधिवेशन में गए, वहाँ शामिल हुए, वहाँ तिलक को आना था, बाल गंगाधर तिलक को, और निधन हो गया, नहीं निधन नहीं हुआ, हाँ। तिलक जब उतरे हैं स्टेशन पर तो चूंकि तिलक गरमपंथी नेता थे, तिलक लखनऊ वाले अधिवेशन नहीं, तिलक थे, तिलक शामिल हुए उसमें, इसी में तो वो वाला पैक्ट हुआ था, हाँ, वही पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक, तो क्योंकि उसमें खबर ये आई थी जो बिपिन चंद्रा किताब में है कि तिलक का पता नहीं फिर कोई और असहयोग आंदोलन को एक रोज पहले तिलक का निधन हो गया, नहीं तिलक इस किस्से में तो तिलक शामिल है इसलिए, अच्छा। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है इसका, हाँ। तो तिलक जब गाड़ी से उतरे हैं तो इन लोगों ने, ये जो यंग लोग थे, ये जो मॉडरेट्स को पसंद नहीं करते थे, इन्होंने ये कहा कि हम इनका स्वागत करेंगे तिलक का, वो तो उग्रपंथी नेता, ये थे जगत नारायण मुल्ला स्वागत समिति के अध्यक्ष, तो इन्होंने कहा अगर ये स्वागत करेंगे, और इन लड़कों ने ये कहा था, स्टूडेंट थे ये सब बिस्मिल, और इन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे, पूरे शहर में सवारी निकालेंगे लखनऊ में, मुल्ला जी ने ये कहा कि अगर ये तिलक की सवारी निकालोगे तो कांग्रेस अध्यक्ष से भी ज़्यादा स्वागत हो जाएगा ये, तो अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार शायद, मुझे जहन में नहीं है, हाँ। लेकिन तिलक उनका मुल्ला जी का ये कहना था कि अगर तुमने सवारी निकाली तो ये तो कांग्रेस अध्यक्ष से भी ज़्यादा स्वागत, शोभा यात्रा निकलती थी, तो फिर नहीं करने दिया जाएगा, तो जब गाड़ी नहीं दी इन लोगों को तो इन्होंने क्या किया, एक ये कोई इक्का खड़ा हुआ था उसको ये लोग खींच लाए, और उसको उसमें घोड़े वोड़े नहीं थे, उसको लड़कों ने तिलक को बैठा दिया उस पर, खींचना शुरू किया,
और वो जो गाड़ी जिसके लिए ये मांग रहे थे, जो तिलक के लिए मांग रहे थे, जब वो नहीं दी तो ये बिस्मिल जाके उस गाड़ी के आगे लेट गए, तो इससे बड़ी किरकिरी हो गई। ये बिस्मिल ने कहा कि इस स्वागत से मॉडरेट्स की बड़ी किरकिरी हुई, तो ये उनको खुन्नस थी। तो यही जगत नारायण मुल्ला साहब, जो बिस्मिल का पहला मुकदमा है मैनपुरी षड्यंत्र कांड 1918 का, उसमें भी सरकारी वकील यही थे, तो बिस्मिल से इनका थोड़ा वैसा मामला था। तो ये मुल्ला जी की इतनी कहानी खिंच गई। नहीं नहीं अच्छा है। ये एक जरा ग्वालियर घराने का प्रसंग बताइए कि आप जब तक हमारा लोटा मानेंगे हम तब तक। हाँ, ये उसमें ये इसलिए प्रसंग है कि बल्कि इसको पढ़ना ज्यादा जी, ये लीजिए। मतलब एक जो आजकल क्या है ना, जैसे हम जब जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए दास्तानगोई के, तो उसमें अब तो बहुत सारे पेट्रन्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे हैं, फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, तो हर कोई फेस्टिवल करा के पेट्रन होने का उसको दावा हो जाता है, और ये दावा हो जाता है कि हम तुमको प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये एक बात है कि पेट्रन कैसा होता है। तो पेट्रन अगर जो था, अगर वाजिद अली शाह पेट्रन थे तो खुद उनकी म्यूज़िक पर 100 टोटल किताबें 100 हैं, म्यूज़िक पर भी हैं, रक्स पर भी हैं, और शायरी पर भी हैं, या जिनका इसमें जिक्र है छत्रे साहब, ये भी कितने बड़े वो थे कि वो लोटा बताए जी। तो ये मैं पढ़ लूँ इसको जी प्लीज। 1852 में पैदा हुए रहमत खां भी अपने पिता की तरह विलक्षण गायक थे। अब इनके पिता थे हद्दू खां, बहुत मशहूर अपने ज़माने में कलाकार थे, और गायकी में बहुत बड़ा नाम है ये। हद्दू हस्सू दो नाम है, दोनों भाई थे। और 1852 में पैदा हुए रहमत खां भी अपने पिता की तरह विलक्षण गायक थे। संगीत रसिक उन्हें बड़े सम्मान के साथ भू गंधर्व कहते हैं। रहमत खां की सीमाब मिजाजी, सीमाब कहते हैं पारे को, तो कभी इधर कभी उधर, तो मिजाज जो है वो जिसका पल में तोला पल में तोला पल में माशा, तो उर्दू में लफ्ज़ है सीमाब मिजाजी। तो रहमत खां की सीमाब मिजाजी मशहूर थी, बड़े बड़े राजघराने उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे, पर वो गाते तभी थे जब उनका मन होता था। एक बार बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने रहमत खां के शागिर्द विष्णु पंत छत्रे से कहा कि वो खां साहब को सुनना चाहते हैं। छत्रे ने जवाब दिया कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि खां साहब तभी गाते हैं जब उनका मन होता है, मन ना हो तो वो अपने सरपरस्त सिंधिया जी के लिए भी नहीं गाते, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये वो दौर था जब रहमत खां बड़ौदा में छत्रे के घर पर ही मुकीम थे। एक दिन अलसुबह छत्रे को खां साहब के घर के खां साहब के गाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि खां साहब घर के बाहर नल पर अपने पखाने के लोटे को भैरवी में गाते हुए मांझ रहे हैं। क्या बात खां साहब। ये देखते ही छत्रे बड़ौदा राजमहल की तरफ भागे और महाराज से कहा, अगर खां साहब को सुनना हो तो फौरन मेरे साथ चलिए। राजमहल दूर नहीं था, पलक झपकते ही दोनों घर के पास पहुंच गए। छत्रे ने महाराज से कहा कि यहां से आपको पैदल ही दबे पांव खां साहब के पास जाना होगा और खामोशी से बैठकर उन्हें सुनना होगा। महाराज ने ऐसा ही किया, चुपचाप खां साहब के पास जाकर जमीन पर बैठ गए और उन्हें सुनने लगे। पर खां साहब की गायकी में एक ऐसा जादू था कि एक जगह महाराज खुद पर काबू नहीं रख सके और मस्ती में उनके मुंह से दाद निकल गई। खां साहब ने यह जो सुना तो एकदम से रुक गए, महाराज को देखा तो बोले, गायकी के आशिक लगते हो, अच्छा लगा? महाराज ने बिना कुछ कहे डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। ये देखते ही खां साहब लपक के बोले, तो देख क्या रहे हो, लो ये मेरा लोटा मांझो, तब तक मैं अपने सुर मांझ लूँ। महाराजा मौसीकी के सच्चे परस्तार थे, खां साहब को सुनने का मौका खोना नहीं चाहते थे। चुपचाप साहब के खां साहब के हाथ से लोटा लेकर देर तक मांझते रहे और भू गंधर्व के सुरों में नहाते रहे। अगले दिन जब महाराज की तरफ से ढेर सारी सौगात छत्रे के घर भेजी गई, तब खां साहब को असलियत पता चली। छत्रे को खूब डांटा, अबे तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने महाराज से पखाने का लोटा मंजवा लिया। इस पर छत्रे ने माजरा बयान किया। ये सुनकर खां साहब ने कहा, छत्रे मैं ये सब लेकर क्या करूँगा, इसमें से जो तुम चाहो रखो, बाकी ज़रूरतमंदों में बंटवा दो। छत्रे ने सेवकों से कहा कि ये सब कुछ गरीबों में बांट दिया जाए। सेवक सब वापस उठाकर चले गए। उनके वापस जाते ही खां साहब छत्रे से अफीम मंगवाने के लिए इसरार करने लगे। तो ये मीर का शेर है, आगे किसू के क्या करें दस्ते तमा दराज, अपना लालच वाला हाथ जो है किसी के आगे क्या फैलाएं। आगे किसू के क्या करें दस्ते तमा दराज,
वो हाथ सो गया है सिरहाने धरे धरे, वो हाथ तो हम सर के नीचे रखे ये है इसमें किस्सा। मेरा जी कर रहा है कि मैं ऐसे घंटों आपसे किस्से सुनता रहूं। मैं सुना भी सकता हूं आपको, क्योंकि सुनने वाला अगर है तो फिर सुनाने का लुत्फ भी जो है वो दोबाला हो जाता है। हिमांशु बाजपेयी का क्या किस्सा है? मेरा किस्सा ये किस्सा है कि आपकी पैदाइश, आपकी परवरिश, आपकी तालीम। मेरा किस्सा यूं है कि लखनऊ में एक इलाका है चौक से लगा हुआ, राजा बाजार। जी, राजा बाजार में पैदा हुए। तो पड़ोस में वो जो चौक का इलाका है, राजा बाजार, चौक, नखास, ये बड़ा अदबी मामला है। यहाँ पे बहुत सारे शायर, बहुत सारे फनकार यहाँ रहते रहे, तो एक ज़बान और बयान का एक मामला था वहाँ। और हमारे आसपास ऐसे लोग थे जो मिसरों में, शेरों में बात करते थे, शायराना गुफ्तगु करते थे। तो वो चीज़ बचपन से बहुत फैसिनेट करती थी कि यार कभी ऐसी गुफ्तगु हम भी कर पाएँ। वो बात गई, फिर थोड़े बड़े हुए, दसवीं में थे तब, हमारे घर के पास कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत बड़े शायर थे, वो रहा करते थे नूर साहब। तो इत्तेफाक से हमारे जो करीबी दोस्त हैं आशीष नवल, उनके बिल्कुल पड़ोसी थे वो। तो उनकी दुकान थी एक घर में छोटी सी, उनके यहाँ वो आया करते थे। माचिस को दिया सलाई कहते थे, तो दिया सलाई सिगरेट के लिए। तो आशीष ने कहा कि भाई ये बहुत बड़े शायर हैं नूर साहब। हमने कहा, तो नाम तो हम भी जानते थे, तो हम फिर एक दिन उनके पास गए। हमने कहा कि हमको शायरी सीखनी है, गज़ल सीखनी है। बढ़ती हुई उम्र थी, दसवीं ग्यारहवीं तक तो बच्चे उस ज़माने में, पुराने लखनऊ में बच्चे जवान हो जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई गज़ल सीखनी। हमने कहा हाँ। तो कहने लगे, तुम ऐसा करो वाक़यात करबला पढ़ो जाकर। हमने कहा हमको तो गज़ल सीखनी है, ये आप मुझे वाक़यात करबला आना कि हम वहाँ रहते थे राजा, हमें मालूम था कि हाँ वाक़यात करबला क्या है, मरसिया होता है जी, उतना नहीं मालूम था लेकिन मालूम था। तो हमने कहा ये नहीं, हम तो उस तरह से। उन्होंने एक बात कही जो मैं अक्सर अब कहता हूँ। उन्होंने हमसे कहा कि वाक़यात करबला पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल बड़ा होगा, और शायर का दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तो दिल बड़ा करने की जो उनकी एक्सरसाइज थी वो ये थी कि भाई तुम एक ब्राह्मण आदमी हो, जब तुम करबला की ट्रेजिडी पढ़ोगे तो तुम उस दूसरे कल्चर को जानोगे। और मरसियों के ख़ास बात ये है, अनीस के मरसियों के ख़ास तौर पर, मरसिया वो शोक गीत होते हैं जो मुहर्रम के दौरान, मरसिया वो विधा है उर्दू शायरी की जो कि इमाम हुसैन की शहादत के बयान में लिखी जाती है। तो दो बहुत बड़े शायर हुए लखनऊ के, अनीस और दबीर। तो अनीस के बारे में कहा जाता है कि उनका जो उनके मरसियों में घटना तो वो करबला की है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो रिश्ते हैं, वो आपको लगेंगे हिंदुस्तान के कैरेक्टर्स हैं वो। तो वो एक उनका तरीका था कि भाई दिल बड़ा होगा। तो आज हम देखते हैं, जब शायरों को हम देखते हैं भिड़ते हुए, और एक कुछ तो शायर ऐसे हैं जो इधर से कम न लें, कुछ उधर से कम न लें। हाँ, तो हमें लगता है यार वो बात हमें याद आती है कि शायर का दिल बड़ा होना चाहिए। तो शायर तो हम नहीं हो पाए, लेकिन ये एक बात गांठ बांध ली कि हाँ भाई दिल बड़ा होना चाहिए। तो मैं इस तरह से फिर ये रहा तो शायरी। अच्छा, नूर साहब खुद एक ऐसे शख्स थे जो कि जिनकी एक पूरी किताब है मरसियों की, और इस जो अहले बैत की जो शायरी है उसकी, और बाकायदा मजलिसों में जाते थे वो, और उनके मरसिए आज भी लखनऊ में जो मजलिसें होती हैं उसमें पढ़े जाते हैं। नूर साहब के, कृष्ण बिहारी नूर। तो और क्या उम्दा शायर थे वो। तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई न जान सका रख रखाव ऐसा था। क्या तो ये नूर साहब हैं। तो फिर ये हुआ, उसके बाद फिर मिजाज तो की बन गया था इन सारी चीज़ों का, शायरी से एक रगबत हो गई थी, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा असर भी करती हैं एक ज़माने में। फिर शिया कॉलेज पहुँच गए बीएससी करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। चौक के में ही तो है वो, हाँ वो डालीगंज में है वो जी, पक्के पुल से पार। तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल रहा, तो थोड़ा शायरी वायरी का शौक उस तरह से आया। उसके बाद लेकिन बीएससी करने के बाद हमने ये तय किया कि यार ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, वो छोड़ दिया। फिर जर्नलिज्म करने चले गए भोपाल में। तो जब बाहर गए घर से, लखनऊ से, तब पहली बार लखनऊ का गलबा जो है वो ऊपर आया कि भाई ये लखनऊ क्या चीज़ थी, किसको हम छोड़ आए हैं। तो फिर वहाँ से ये सफ़र अब यहाँ तक पहुँचा कि किताब लिख रहे हैं लखनऊ में। और दास्तानगोई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? दास्तानगोई का सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि चड्ढा जो हमारे दोस्त हैं, जो पिछले साल एक हादसे में वो नहीं रहे, हमारी किताब समर्पित, जिनको ये किताब समर्पित है और जिनकी फ़ोटो भी, ये तस्वीर किताब के कवर पर है,
वो दास्तानगोई करते थे, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, तो वो हमसे कहते थे यांशु भाई आपको तो आपका तलफ़ुज़ भी अच्छा है, उर्दू आपको आती है, शेर बहुत सारे याद रहते हैं, मेमोरी अच्छी है, तो आप दास्तान करिए। मेरा कोई बैकग्राउंड थिएटर का नहीं था, तो हमने कहा यार कर तो लेंगे, ये सब तो आता है लेकिन उसमें तो परफॉर्मेंस चाहिए, वो तो नाटकीयता हमको तो आती नहीं है। हाँ, तो बोले मैं सिखाऊंगा। तो अंकित ने ही फिर हमसे कहा कि करो, तो हमने कोशिश की, फिर अंकित ने ही जाके महमूद सर से मिलवाया, महमूद फारूकी साहब से, जो दास्तान कोई एक तरीके से उस्ताद जो सिखाते थे, और तो फिर वहाँ गए, फिर अंकित ने भी बहुत रिहर्सल की, तो हमने साथ में पहली दास्तान मजाज लखनवी की दास्तान जो बहुत मशहूर भी हुई, वो हमने और अंकित ने साथ में तैयार की, कंपाइल की, और साथ में ही परफॉर्म करते थे। तो एक तरीके से दास्तान को बनाने के पीछे तो अंकित का हाथ है, और फिर महमूद सर का हाथ है, अंकित चूंकि लेकर के गए वहाँ। तो इस तरह से फिर दास्तान 2014 में शुरू किया था, 2019 हो गया, तो 5 साल हो गए, और अब तो ठीक से काम चल निकला है। तो ऐसा है, तो दास्तान गोई करते हैं, लखनऊ के किस्से लिखते हैं, और क्या करते हैं हिमांशु? दास्तान गोई करते हैं, लखनऊ के किस्से सुनाते हैं। हमने सुना है कि जब कोई लखनऊ जाता है और हिमांशु लखनऊ में हो, तो हिमांशु कई लखनऊ की नायाब जगहों पर भी, जो आपको 10 things to do वाली लिस्ट में नहीं मिलती हैं, गूगल के क्लिक पे नहीं मिलती हैं, मेक माई ट्रिप पे नहीं मिलती, उन जगहों पर ले जाते हैं, ये भी सच है कि अफार? नहीं, ये भाई ये तो आपको उससे पूछना पड़ेगा जो ये आप तक ये खबर लेकर के आया। लेकिन वरुण ग्रोवर कह रहे थे हमारा तो मौका लगा नहीं, क्योंकि जब हम गए तब आप थे। नहीं, लेकिन आप फिर से आए, और मेरा कॉल है कि मेरा कोई दोस्त लखनऊ जाए, ये तो बात की बात है, मेरे किसी दोस्त का ख्याल भी लखनऊ जाए तो मुझे पता होना चाहिए। क्या बात। तो वरुण से एक दिन, भाई हमने कहा कि यूँ तो सब, वरुण भी लखनऊ में जमानों तक रहे हैं, तो उनका सब देखा, तो उनको क्या हम दिखाएंगे, तो हमने कहा ये तो सब देखते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो नहीं देखते हैं लोग आम तौर पर, जहाँ नहीं जाते। तो फिर हमने कोशिश ये की कि रिफाई आम क्लब जो लखनऊ में, जहाँ पर PWA की पहली वो ऐतिहासिक बैठक, जहाँ पर प्रेमचंद ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, वो उसी जगह के है, और वो उस जगह की हालत खराब है एकदम, उस पे प्रगतिशील लेखक संघ की बात हो रही है, जी जी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। तो उसकी पहली बैठक 1936 में वहीं हुई थी, और प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी उसकी। बिल्कुल ख़राब हालत है उसकी, बिल्डिंग बिल्कुल टूट रही है, अतिक्रमण है उस पे, बसें खड़ी होती हैं, कूड़ा पड़ता है, और उसके अलावा भी, वो तो एक बात है PWA वाली, उससे पहले खिलाफत के ज़माने में और होम रूल मूवमेंट जब चल रहा था, तो उसमें एनी बेसेंट ने काफ़ी बैठकें वहाँ, तो उस जगह का एक अपना इतिहास है, और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है उस एक जगह की। रिफाए आम मतलब आम लोगों की रिफा, आम लोगों का कल्याण। तो लखनऊ में एक MB क्लब था, आज भी है, वहाँ तब भी वही था कि ख़ास तरह का ड्रेस कोड होगा तभी आप जा पाएंगे। पहले तो उस ज़माने में तो सिर्फ अंग्रेज़ जाते थे, और उनके जो ताल्लुकदार और उनके जो पीछे रह गए अंग्रेज़ वो जाते हैं, तो वहाँ जाने देते थे। तो ये कुछ लोगों ने शुरू किया था लखनऊ में, उसके प्रोटेस्ट के तौर पर, उसके एहतजाज के तौर पर एक पैरेलल क्लब जिसका नाम था रिफाए आम क्लब, जहाँ सब लोग आ सकते थे, और हिंदुस्तानी, और अंग्रेज़ों को मना कर रखा था कि आप नहीं आ सकते। तो ये हमारे असल में उस स्वदेशी के गौरव की भी निशानी है वो जगह, कि हमने MB क्लब का प्रतिकार करते हुए एक अलग क्लब खड़ा किया था, रिफाए आम क्लब। तो वो जगह, और इसीलिए वो जो जितनी भी जगहें जो चुनी गई, जहाँ होम रूल के लिए हो, खिलाफत के मामले में हो, या कांग्रेस की बैठकें हो, या ये PWA वाला हो, इसीलिए चुना गया कि उस जगह की लखनऊ के जनमानस में एक ज़माने तक यही महत्ता थी कि उसे हमारी अपनी चेतना का प्रतीक समझा जाता था। बहुत ख़राब स्थिति, तो वहाँ गए, पास ही में निशाने मीर है, जहाँ ये माना जाता है कि मीर इसी इलाके में कहीं दफन हुए थे। अब मीर की कब्र लखनऊ में नहीं मिलती। आप ये देखें, लखनऊ जो इतना बड़ा अदब का शहर है, जो बहुत दावे करता है कि हम तो लखनऊ वाले, मीर जो कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर है, खुदाए सुखन कहलाता है, उसकी कब्र लखनऊ वालों ने फरामोश कर दी, मिलती ही नहीं है। तो बाद में, बहुत बाद में, 60s में लारी साहब ने और कुछ लोगों ने वहाँ पर एक निशाने मीर यानी एक यादगार तामीर करवाई, और उस जगह की भी ये हालत है कि वहाँ एक पार्क है, उसमें एक निशाने मीर है, जहाँ पर मीर का शेर लिखा हुआ है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। उस जगह पर भी लोग मतलब लेटरीन करके चले जाते हैं, और बसें खड़ी रहती हैं, और पूरा कूड़ा पड़ता है, मतलब उस जगह आप जा नहीं सकते।
वो दिखता ही नहीं, उसके उसके इर्द गिर्द इतना कब्जा है कि वो जगह ही नहीं दिखती, आपको जा करके रेलिंग फांद के अंदर जाना पड़ेगा तब वो जगह। तो मीर को लखनऊ पसंद नहीं आता था, मीर ने अपनी शायरी में बहुत लखनऊ को सुनाया है। आबाद उजड़ा लखनऊ चुगदों से अब हुआ, मुश्किल है इस खराबे में आदम की बूदोबाश। लखनऊ में सिर्फ उल्लू रह सकते हैं, आदमी यहाँ नहीं रह सकता, ये मीर लखनऊ के बारे में कहते हैं। और अब लखनऊ उनको सही साबित कर रहा है, तो इसीलिए अब देखिए ना क्या लखनऊ कुछ है नहीं। इसी तरह से मजाज के खबर की आप हालत देखिए, मजाज तो बहुत पॉपुलर हैं, इतनी बातें सब कुछ, लेकिन आप देखिए कि वहाँ अब तो फिर भी वहाँ कुछ लोगों ने, खासकर एएमयू की एक वहाँ जो एएमयू के एक एसोसिएशन है, उन लोगों ने पिछले साल अभी उस कब्र को थोड़ा सही करवाया, उस पर रंग रोगन करा के सफाई करा के, लेकिन वैसे वो कब्र एकदम फरामोश, उसकी कोई सफाई नहीं और कुछ नहीं, कोई जाता नहीं वहाँ। तो इस सारी जगहों पर हम वरुण को ले गए, हमने कहा भाई ये देखें आपके किस तरह का ये एक मामला है। आप जब हिमांशु बाजपेयी का किस्सा सुना रहे थे तो चौक का जिक्र आया, और मैं आपकी जितना तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जब भी चौक का जिक्र आता है तो मुझे अमृतलाल नागर का ख्याल आता है। नागर जी तो कहते थे इस किताब में भी, नागर जी कहते थे कि मैं चौक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। तो हमने फिर ये जो हमारा परिचय इसमें ये है कि मैं उसी चौक यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ कि जिसके VC नागर जी हैं। तो मैं कहता भी हूँ कि मैंने दो लोग हैं जिनकी तरह से हमने लिखना चाहा, हमने चाहा कि अगर हम लिखें तो उनकी स्टाइल मेरे अंदर आ जाए किसी तरह से। एक उर्दू में कृष्ण चंद्र हैं और हिंदी में नागर जी हैं। अब दौर मंटो जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन जो मेरा कनेक्ट था वो कृष्ण चंद्र से था, तो वो कृष्ण चंद्र उर्दू में और हिंदी में अमृतलाल नागर। क्या जबान है उनके पास और क्या किस्सा गोई है। और हैरत की बात यह है कि नागर जी ने लिखा है अपने बारे में, अपने आत्मकथ्य में, कि लिखने की प्रेरणा उन्हें एक दास्तानगो से मिली कि जिससे वो 4 आने 8 आने देते थे और अचार देते थे या नमक की डली देते थे और वो खा लेता था और उसके बाद इन्हें दास्तानें सुनाता था। तो इसीलिए नागर जी के यहाँ ओरल ट्रेडिशन की बातें मिलती हैं, उनकी कई कहानियाँ भी पीपल परी की दास्तान या उस तरह से शुरू होती हैं जैसे एक ओरल ट्रेडिशन में कहानियाँ शुरू होती हैं। तो ये एक रिश्ता, और भंग की तरंग हाँ वो भी है। तो पुराने दास्तान को भी वो अफीम और भांग के साथ ही दास्तानें सुनाते थे, तो वो नागर जी से हो जाते हैं, तो बिल्कुल उनको लगता था। ये किताब आ गई, अब अगली किताब कोई तैयारी? आपकी तो PhD भी हो गई, बहुत बधाई डॉक्टर हिमांशु बाजपेयी। शुक्रिया, हो गई। तो ये किस पे PhD की आपने? PhD लखनऊ में एक नवल किशोर प्रेस जी हुआ करता था, जिसने ये उर्दू का सारा, बहुत सारा क्लासिक लिटरेचर छापा जी। और आपको जान के खुशी भी होगी कि दास्तान गोई पहली बार ओरल ट्रेडिशन से निकाल कर किताबी शक्ल में नवल किशोर प्रेस ने ही छापी। तो नवल किशोर प्रेस पे मेरा काम है, और नवल उसको किशोर भी किताब की शक्ल में हाँ वो, लेकिन उस पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि PhD तो आप जानते हैं, PhD तो 2 लोग पढ़ते हैं या 3 लोग पढ़ते हैं, किताब एक बार जब नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी PhD बीच में छोड़ दी, MPhil किया। आप ज़्यादा जान गए इसीलिए तो आपने छोड़ दी। तो ये है, लेकिन करेंगे कभी, कुछ आएगा उस पर भी कुछ। लखनऊ बहुत कुछ है, हर शहर की तरह उस शहर के बाशिंदे होते हैं जो शहर को तबीयत बख्शते हैं। लखनऊ का एक जो सबसे घिसा हुआ लेकिन ज़रूरी किस्सा है वो पहले आप वाला, उसको आपने एक नई तर्ज पे यहाँ पे बयां किया है, वो आप, मैं चाहता हूँ आखिरी में बताएं। वो जो ट्रेन में जो गुफ्तगू हो रही है, मच्छर, जी जी जी, पंखा, मच्छर और चद्दर वाली, वो असल में वो सही है, असली किस्सा है, वो भोपाल एक्सप्रेस का है मामला, वो कि एक स्लीपर के डिब्बों में अक्सर ऐसा होता है, ये ट्रेन चलती है तब लाइट जलती है कुछ ऐसा जी, होता जी, है जी। तो वो लाइट जल नहीं रही थी और मच्छर बहुत काट रहे थे और ठंड शुरू हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि ऊपर वाले जो साहब थे, नीचे वाले जो साहब थे, उन्होंने पंखा चला दिया कि मच्छर थोड़ा कम काटेंगे। तो ऊपर वाले साहब ने पंखा बंद कर दिया, उनको ठंड लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, तो ऊपर वाले जो साहब थे उन्होंने क्या कहा, पंखा उसका, हमारा पंखा चल गया है क्या? ये नहीं कहा पंखा चला दिया, किसने चला दिया, क्यों चला दिया, पंखा चल गया है क्या? तो वो तो नीचे वाले बोले कि भाई मच्छर काट रहे थे। तो
तो इन्होंने कहा अच्छा मच्छर काट दे तो चला लो हम चादर ओढ़ लेंगे, तो नहीं 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 आपको ठंड लग जाएगी आप ऊपर आप हम बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं हम चादर ओढ़ लेंगे आप चलने दीजिए। तो फिर इस तरह से वो किस्सा हुआ। कमाल किस्सा। ये इन्हीं सारे किस्सों से भरपूर ये किताब है किस्सा किस्सा लखनऊआ। एक चीज़ जो इस किताब में नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताएं, हिमांशु वाजपेयी हिंदुस्तान में बहुत लोगों को ये भ्रम है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हाँ, बहुत सारे भ्रम हैं इस हम अपनी क्षमता भर जितने दूर कर पाएं। हमें कई बार लगता है कि हम लिखत पढ़त वालों का काम गिलहरी जितना ही है। तो जब राम जी सेतु बना रहे थे ना तो गिलहरी अपनी पूंछ में रेत लगा लगा डाल रही थी। तो हमें पता है कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा पर अपना ईमान तो अपने साथ है ना। देखिए भाषा शास्त्र जो है वो तो वो भाषा कैसे बनती है अगर उसको आप देखें तो वो यही होता है कि भाषा क्षेत्र से बनती है। तो ये तो कोई ये तो भाषा के बनने की जितने भी तरीके बताए गए हैं उनमें ये कहीं नहीं बताया गया कि एक धर्म के लोग एक भाषा बंगाली भाषी लोगों को पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त का बाद में बांग्लादेश उर्दू से दिक्कत थी क्योंकि वो उनकी जबान नहीं थी तो वो इसी तरह से बना। तो भाषा किसी धर्म की हो ही नहीं सकती, मतलब अगर चाहे तब भी नहीं हो सकती। एक क्षेत्र में भाषा होगी और उसमें सब लोग वैसे ही बोलते होंगे। तो ये थोड़ा लोग असल में जब पढ़ते नहीं है इंसान तो उन्हें वर्गलाना आसान होता है। उनसे हम अगर कह दें कि भाई उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो वो अच्छा। अब ये हुआ चूँकि कि आज़ादी बंटवारे के बाद चूँकि बंटवारा एक ऐसी त्रासदी थी कि उसमें बहुत सारा बरसों का भरोसा हमारा जमा जमाया हिला। तो उसके बाद उर्दू को लेकर भी एक ख़ास तरह का तासुब एक पूर्वाग्रह बना। तो उसमें अब चूँकि उर्दू के बोलने वाले हालांकि उर्दू के बोलने वाले मुसलमान ज़्यादा हैं ये भी अपने आप में एक उस तरह की बात है क्योंकि वो जावेद साहब जैसा कहते हैं कि उर्दू के साथ तो ऐसा है जब तक समझ में आ रही हो तब तक मान लिया था कि हिंदी है और जब नहीं समझ में आती है तो वो उर्दू है। लेकिन तो उसमें ये हुआ कि भाई ये इस तरह की बातें कुछ ख़ास तरह की राजनीति के तहत फैलाई गई इसमें, जबकि जो लोग फैला रहे हैं उनको भी ये मालूम है कि इसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जो उर्दू में ट्रेडिशन है मतलब लखनऊ में, अभी मरसियों की बात चल रही थी, लखनऊ में कम से कम 50 बड़े शायर हैं जिन्होंने मरसिये कहे हैं। तो नूर साहब की बात तो हमने बताई आपको, एक साहब हैं विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी कहलाते हैं, उनके मरसिये इतने मशहूर हैं, इनके नौहे हर मजलिस में आज तक गाए जाते हैं। बहुत मशहूर शेर है उनका, ये कहते हुए जन्नत में चले जाएंगे माथुर शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। तो माथुर लखनवी, छन्नू लाल दिलगीर वो आदमी है जो मीर अनीस से पहले का शायर है। तो रिवायत ये है, किस्सा ये है कि दिलगीर के बारे में अनीस से किसी ने पूछा कि क्या आप छन्नू लाल दिलगीर के शागिर्द हैं, तो अनीस ने कहा कि काश मैं होता। क्या बात। तो छन्नू लाल दिलगीर वो शायर, तो छन्नू लाल दिलगीर हैं, द्वारिका प्रसाद उफुक हैं, बशेश्वर प्रसाद मुनव्वर हैं, नानक चंद नानक हैं, कृष्ण बिहारी नूर हैं, विश्वनाथ प्रसाद माथुर हैं, इतने सारे लोग हैं, ये बड़े शायर हैं जिनके मरसिये अभी भी जिंदा हैं। तो ये जब इस तरह के लोग हैं और ये लोग सारे लोग मजलिसों में जाते थे तो आप कैसे कहेंगे कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। तो उर्दू तहजीब की ज़बान है। तो किसी का शेर है, अभी तहजीब का नौहा न पढ़ना अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। क्या बात। और जब तक नवल किशोर का नाम दुनिया में जिंदा है तब तक तो किसी को ये बात कहनी ही नहीं चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। जितना उर्दू के लिए नवल किशोर से ज़्यादा काम अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। तो जो नवल किशोर का काम है, नवल आपको पता है, नवल किशोर प्रेस 1858 से लेकर 1950 तक काम करती रही, 92 साल, 20,000 किताबें छापी हैं नवल किशोर प्रेस ने। और संस्कृत के जो धर्मग्रंथ हैं, उपनिषद, ब्राह्मण, ये गीता, इन सबको उर्दू में, अरबी में, फारसी में ट्रांसलेट कराया, और उर्दू और अरबी के जो ग्रंथ हैं उन्हें संस्कृत में और हिंदी में ट्रांसलेट कराया।
कितना कमाल काम है ये ट्रांसलेशन का जो काम है उनका। तो 50 कॉमेंट्रीज, टीका जिन्हें हम कहते हैं, तफसीर कहते हैं जिन्हें, कुरान की, वो नवल किशोर प्रेस ने छापी, 17 भाषाओं में अनुवाद कराया कुरान का। तो हिंदुस्तान में अगर आम लोगों के पास कुरान पहुंचा तो नवल किशोर प्रेस की वजह से पहुंचा। तो बहुत बड़ा उनका एक उनकी खिदमत है। और आप देखिए, जिसको कहते हैं ना, ये हमारे जो फ़िरका परस लोग हैं जो कहते हैं सेकुलरिज्म तो कुछ नहीं, गंगा जमनी तहजीब कुछ नहीं होती, नवल किशोर के बारे में मशहूर था कि जब वो कुरान पर काम करवाते थे तो कातिब बैठे होते थे लिखने वाले, क्योंकि उस ज़माने में तो किताबत होती थी, तो जब वो आते थे तो पहले उन्हें जाके नहाना पड़ता था, वहाँ सब गुस्खाने बने हुए थे और वो नहाते थे, फिर नए कपड़े पहनते थे धुले हुए, फिर लिखवाते थे। ये इतना ध्यान रखते थे वो कि अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो उसकी कोई, उसकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, उसकी जो पाकिजगी है, उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे। तो ये तो नवल किशोर, तो मुंशी नवल किशोर ऐसा आदमी था भाई। और लखनऊ वाले भूल गए नवल किशोर को, एक रोड है उनके नाम पे जो लीला सिनेमा वाली रोड है, ये नवल लीला सिनेमा जहाँ पर है, ये नवल किशोर प्रेस का कंपाउंड था बेसिकली। अच्छा। हाँ, तो ये नवल किशोर रोड उन्हीं के नाम पर। और ये जो परिवर्तन चौक से जो रोड यूनिवर्सिटी के लिए गई है, हनुमान सेतु के लिए, इसमें कोने में एक पार्क है जिसका नाम है मुंशी नवल किशोर पार्क। ये दो यादगारें हैं बस। पेपर मिल कॉलोनी जो है, ये नवल किशोर की अपनी पेपर मिल थी, अपर इंडिया कूपर्स पेपर्स लिमिटेड, ये बाद में कॉलोनी बनी, ये अपनी उनकी प्रेस थी। तो ये इतना बड़ा आदमी था। और अवध अखबार, उर्दू का पहला डेली नॉर्थ इंडिया का अवध अखबार, और काकोरी कांड के मुकदमे को जिस अखबार ने बिल्कुल छापा है, मतलब सिलसिलेवार ढंग से, वो अवध अखबार था। तो इतनी तो खिदमात है। तो ये उर्दू को लेके तो चूंकि पॉलिटिक्स है, हम तो कह रहे हैं कोई इंसान हो जो हिंदी बोलने वाला, जो कहता है कि हम हिंदी के आदमी हैं, वो दो सेंटेंस हमें बोल के दिखाए कि जिसमें वो उर्दू का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करे, खालिस जिसे कहते हैं। एक साहब हुए आरजू लखनवी, लखनऊ में 1872 में पैदा हुए, 1950 में डेथ हुई। फिल्मों ने जब बोलना शुरू किया तो पहले जो गीतकार थे उनमें आरजू लखनवी का नाम है जी। वो ज़बान को लेकर बहुत मेल मिलाप वाले आदमी थे, उन्होंने एक, और ज़बान के माहिर भी थे। उन्होंने एक दिन कहा कि मैं एक ऐसी ज़बान में शायरी करके दिखाऊंगा कि जिसमें एक भी लफ्ज़ अरबी का नहीं होगा, एक भी लफ्ज़ फ़ारसी का नहीं होगा, और वो बिल्कुल देसी लफ्ज़ होंगे हिंदी के। और उसको उन्होंने कहा खालिस उर्दू या खालिस हिंदी। और सुरीली बांसुरी इस किताब का नाम है, शायरी की किताब है, और इतनी मोटी किताब है, 25 रुपए की मिलती है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने छापा है। पूरी शायरी है उसमें, लेकिन उसमें एक भी लफ्ज़ अरबी या फारसी, अरबी फारसी नहीं है, वो हिंदी लफ्ज़ है। जैसे वो उनका एक मिसाल है जी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। इसमें कुछ भी उर्दू अरबी फारसी नहीं है, अरबी फारसी नहीं है। तो पूरी किताब आरजू ने इस बात के सबूत के तौर पर लिखी कि भैया ये यहाँ की ज़बान है, और ये अरबी फारसी से, भाई संस्कृत हिंदी भी कोई बोलता है तो कोई बहुत संस्कृतनिष्ठ बोलता है, कोई चाहे तो यूँ भी बोल सकता है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं ये तो आम ज़बान है। तो ये नासमझी का है, और थोड़ा जानबूझकर गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है। तो ये वाला मैं सोच ही रहा था कि आपसे कहूँ कि इस पूरी बातचीत को अगर हम मौजूदा वक्त के हिसाब से किसी शेर के साथ ख़त्म कर सकें और मुराद पूरी हो गई। एक शेर और जी प्लीज़। वो शेर है अहमद फराज का, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से के कोई शम्मा जलाते जाते, रात के अंधेरे का शिकवा करने से बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाए, गिलहरी की पूंछ वाली बात तो वो बस वही बात है। हिमांशु बाजपेयी, आप फाइनली पहली दफ़ा लल्लन टॉप के स्टूडियो आ पाए, इसके लिए मेरी खुशकिस्मती है। और मैं देर में आया, मुझे लगा मुझे पहले आ जाना चाहिए था, तो वो है ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे, तो वो है, लेकिन मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किताब किस्सा किस्सा लखनउआ, लखनऊ के अवामी किस्से, हिमांशु बाजपेयी,
और इसे सार्थक ने छापा है, जो कि राजकमल प्रकाशन का एक उपक्रम है। 150 रुपये इसकी कीमत है और शिराज हुसैन ने इसका कवर बनाया बहुत है, सुंदर कवर बनाया और हिमांशु बाजपेयी ने लिखा है। कबूतर के भीतर अमा सुनो नागर जी हैं, अंकित चड्ढा का आपने अनीस है, अनीस हैं, कसीदेकारी हो रही है। ये चिकन, इसकी एक कहानी है कि चिकन आमतौर पर चिकन तो बहुत बिकता है, मशहूर भी है और बहुत महंगा, साड़ियाँ जो हैं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार की, लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि 10 हज़ार की जो साड़ी बिकती है बहुत हैवी काम वाली, उसको उस एक साड़ी को काटने में एक औरत को 1 महीना लगता है कम से कम, और उस एक साड़ी की जो उसको मजदूरी मिलती है वो 150 रुपये मिलती है, यानी कि एक दिन की मजदूरी 5 रुपये हुई, 5 रुपये एक दिन की मजदूरी। और ये कौन कौन औरतें हैं, ये सब घरेलू औरतें हैं अवध के आसपास, ये लखनऊ के आसपास के गाँव में जहाँ अड्डे लगते हैं और वहाँ घरों में ये कढ़ाई होती है। तो लोग चिकन की तो बहुत शोहरत हुई, लेकिन इसके पीछे का जो अंधेरा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये एक ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से उन औरतों को, ये तस्वीर के उन पे भी बात हो कि 5 रुपये पर दिन की मजदूरी में वो काम करते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर है। चलिए, मेरी ये दुआ है कि आप ऐसे ही लगातार लिखते रहें और नायाब किस्से सुनाते रहें। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है किताब वाला। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं, और अगर आपको ललन टॉप की पत्रकारिता पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक ललन टॉप की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाके वो भी डाउनलोड कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया हिमांशु बाजपेयी।